नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपनी शिक्षा में। मैं हूं आपके साथ अजीत नाई। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वाले वीडियो में मेरे ग्रेजुएशन से रिलेटेड डिग्री यानी सर्टिफिकेट को लेकर बात की थी, उसमें मैंने अपने 3 साल के अनुभवों को आपके समक्ष शेयर किया। मैंने जहाँ तक महसूस किया कि आप सभी को मेरी जो भी इन्फॉर्मेशनेबल बातें थी वह जानकारी के रूप में सही लगी, और आप सभी का धन्यवाद मेरे उस वीडियो को इतना पसंद करने के लिए। तो इसी प्रकार से आज हम लोग बात करेंगे कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप किसी पर्टिकुलर प्राइवेट सेक्टर जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे इंग्लिश में एप्लीकेशन या फिर कहें तो आवेदन किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों चलिए फिर जानते हैं किस प्रकार से लिखना है एक एप्लीकेशन किसी प्राइवेट सेक्टर जॉब के लिए। लेकिन दोस्तों मैं बता दूँ कि मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे दोस्तों मैं बता दूं कि मैं एक टी गार्डन एरिया में रहता हूँ, मैंने चाय बागान क्षेत्र में रहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे टी कंपनियाँ हैं, तो वहाँ पे अलग अलग जॉब्स यानी वैकेंसियाँ, जॉब्स के लिए वैकेंसियाँ निकलती है। जैसे क्लर्क के लिए हो गया, मैनेजर के लिए हो गया, या फिर टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए हो गया। तो एग्जाम्पल के लिए मैं क्लर्क के वैकेंसी के लिए यानी उसके जॉब के लिए आवेदन करूँगा, एक लेटर लिखूंगा, ठीक है। तो आप किसी डिफरेंट जॉब के लिए भी उस चीज़ को, उस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ उसमें फॉर्मेलिटी को चेंज करते हुए। तो चलिए फिर किस प्रकार से चेंजेस लाना है, किस प्रकार से एप्लीकेशन को लिखना है ये देखते हैं। तो चलिए फिर वीडियो पर बनते हैं। टू द मैनेजर, मैं अब वो कंपनी किस जगह पे है तो उस जगह का नाम लिखूँगा, ठीक है। टू द मैनेजर डायना टी स्टेट पोस्ट डिस्ट्रिक्ट जलपाईगुड़ी। तो अभी अब हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि किस पोस्ट के लिए है, तो पोस्ट बता दूं, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, जूनियर क्लर्क, यानी जिस पोस्ट के लिए वहाँ पे वैकेंसी है तो उसके लिए मैंने आवेदन किया है, जूनियर क्लर्क के लिए। तो अब नीचे आते हैं, अब मेनली बात जो भी होगा सर, आई कम टू नाउ आई कम टू नाउ सम सम I come to know some reliable sources source reliable sources that there is a vacancy for the above post of
सोर्स दैट देयर इज अ वैकेंसी फॉर द अबव सब्जेक्ट पोस्ट ऑफ योर टी टी गार्डन या फिर टी स्टेट भी लिख सकते हैं फुल स्टॉप आई वर्ल्ड लाइक टू ऑफर माई सेल्फ एज अ कैंडिडेट फॉर द सम एंड इंक्लूजिंग हियर विथ माय रिज्यूम स्लैश देते हुए बायोडाटा रिज्यूम को बायोडाटा भी कहा जाता है या बायोडाटा को रिज्यूम भी कहा जाता है बायोडाटा लाइन विथ इंक्लूजिंग हेयर विथ माई रिज्यूम बायोडाटा कैंडिडेट फॉर द सम एंड इंक्लूजिंग हेयर विथ माई रिज्यूम फॉर योर इंक्लूजिंग हेयर विथ माई रिज्यूम बायोडाटा फॉर योर काइंड कंसी consideration full stop उसके बाद I hope find me resume in line with your requirement requirement and Give me a chance to give me a chance to serve it. Your ठीक है उसके बाद दोस्तों थैंक यू लिखना है लेफ्ट साइड में यहाँ पे थैंक यू लिखना है उसके बाद नीचे उसके योर सिंसियरली
देके अपना नाम, मैंने अपना नाम लिख दिया। उसके बाद ENCL देके, यानी इंक्लूजिंग आपका जो भी ओ देके, उसके बाद जो रिज्यूम बनता है यहाँ पे RESUME रिज्यूम, मैंने आपने क्या क्या दिया होगा तो यहाँ पे पता चल जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप देख चुके हैं कि मैंने जूनियर क्लर्क यानी कि टी गार्डन के कंपनी में एक जूनियर क्लर्क के पोस्ट के लिए मैंने एप्लीकेशन लिखा है, ठीक है। तो आप अब किस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स के लिए इसी फॉर्मेट को यूज करते हुए अपने जॉब्स के लिए एप्लीकेशन लिखेंगे, तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से फॉर्मेट आपको वहाँ पर चेंजेस करना होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि ज़्यादा कुछ चेंजेस करना नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टू द मैनेजर देते हुए डायना टी स्टेट लिखा है, तो यानी कि उस कंपनी के मैनेजर का एड्रेस है वो, जहाँ पे वो कंपनी स्थित है, ठीक है। तो मैंने डायना टी स्टेट करके दे दिया है। तो आप अपने जॉब्स के हिसाब से, अपने डिफरेंट जॉब के हिसाब से वहाँ पे प्लेस दे सकते हैं उसी के अंडर, उस कंपनी के अंडर की। तो अब पहला ये हो गया। अब दूसरा बात करते हैं तो सब्जेक्ट, एप्लीकेशन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क, मैंने उस टी कंपनी में जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई किया था, तो ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि एप्लीकेशन अप्लाई फॉर द एबव सब्जेक्ट, कुछ भी, मैंने एबव सब्जेक्ट कहने का अर्थात है कि आप कुछ भी पोस्ट या फिर वहाँ पे जो कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंपनी में किस चीज़ की वैकेंसी खाली है, तो उस चीज़ को आप वहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। बस ये है दूसरा चेंजेस। अब तीसरा यह है कि आप रिस्पेक्टेड सर करके आई कम टू नाउ सम रिलायबल सोर्सेस, यानी कि आप कह सकते हैं कि मैंने डिफरेंट रिलायबल सोर्सेस से ये पता लगाया कि आपके यहाँ पे कुछ वैकेंसी निकली हुई है, तो मैं वहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया है, बस थोड़ा सा चेंजेस करना है कि मैंने यहाँ पे टी कंपनी दिया है क्योंकि मैं टी कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप अपने उस जॉब्स के कंपनी का नाम लिखेंगे यहाँ पे, या फिर क्या सेक्टर से है उस चीज़ का नाम लिखेंगे। तो फिर ये हो गया तीसरा। और चौथा है तो बस वही है कि मैंने रिपीट उस कंपनी का नाम, टी कंपनी के अंडर उस सेक्टर के लिए अप्लाई किया था, तो वहाँ पे मैंने टी गार्डन करके दिया है, तो मैंने मार्क कर दिया हुआ है। आपको बस ये सब चीज़ें सिर्फ चेंजेस करने हैं और बाकी सारे आप वही फॉर्मेट को यूज करते हुए एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं अपने जॉब्स के लिए। बस यही चीज़ें थी दोस्तों कि आप लोग को जानना था। मैंने जहाँ तक कोशिश की है कि आप सभी इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो बस यही तक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं, मैं रिपीट बोल रहा हूँ कि आप फिर से इसको स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं, और इसको चाहे तो आप रिपीट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बहुत ईजी है, आप लोग के लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों बस यही था किस प्रकार से लिखना है, हमने अभी देखा और जाना कि कहाँ कहाँ पे हमें किस जगह पे चेंजेस लाना है, और चेंजेस लाकर हम बेहतर तरीके से एक एप्लीकेशन को लिख सकते हैं, और उस एप्लीकेशन को कहीं पर भी किसी भी किसी प्राइवेट सेक्टर जॉब के लिए अप्लाई करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। तो बस यही था, आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, ताकि आप सभी को भी मैं कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूँ आपकी जानकारी के लिए। तो और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अपने विचारों को। बस यही है, तो फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ अपनी शिक्षा में। तो अभी के लिए जय हिंद।